हे एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, ईद आने वाली है, तो उसी के मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। ये इस वीडियो का पार्ट वन है, जिसमें मैंने एक हाई स्लीट लॉन्ग कुर्ती बनाना बताया है। पार्ट टू में आपको एक हाई वेस्ट फुल घेर वाली प्लाजो देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने नेट फैब्रिक लिया है, जो मेन हमारा कुर्ती का फैब्रिक होगा, और इसमें बेज और वाइट कलर में थ्रेड वर्क किया हुआ है। ये मैंने 1.5 मीटर लिया है, और इसी का एक छोटा सा टुकड़ा था मेरे पास बचा हुआ, तो इससे मैं अपना जो स्लीव्स है वो मैं निकालूंगी। ये बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, और इसके साथ जो मैं लाइनिंग यूज़ करूँगी वो है बटर सिल्क, और ये भी 1.5 मीटर है। तो चलिए देखते हैं इसके मेज़रमेंट को। मेरी जो कुर्ती की फुल लेंथ होगी वो 42 इंचेस रेडी होगी, और जब हम लोग कटिंग करेंगे तो उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे जो सिलाई में चला जाएगा। और मेरी चेस्ट है 36 इंच, और वेस्ट 32 है, हिप 38 इंचेस है। इसमें मैंने 2-2 इंच प्लस इसलिए किया है क्योंकि मैं इतना लूज़ रखूँगी, मैं थोड़ा सा लूज़ पहनती हूँ। आप जितना लूज़ पहनते हैं आप उस हिसाब से अपना रख सकते हैं। शोल्डर 13 इंचेस है, और शोल्डर में 1 इंच कम लूँगी, और स्लीव्स में 15 इंचेस रखूँगी, जिसकी मोहरी होगी 10 इंच, और जो हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक होगा उसकी जो डीप होगी वो 3.5 इंचेस मैं लूँगी। तो सबसे पहले हम लोग लाइनिंग को कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़े को पहले इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लिया है लंबाई में, और इसके बाद हम लोग इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा जो चेस्ट का 4th पार्ट होगा उसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेंगे। तो मेरा 9 है, तो उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है, यहाँ पे 11 इंच हो गया। तो 11 इंच चौड़ाई है, आपका जो भी हो आप उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो वो ठीक होगा बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे लाइनिंग मैं थोड़ा सा छोटा काटूँगी, यहाँ पे मैं जो मेरा नेट का जो फैब्रिक है उससे मैं इसको 8 इंच छोटा रखूँगी, क्योंकि उसमें एक डिज़ाइन है तो इससे वो क्रिएट होगा। और यहाँ पे मैं दोनों तरफ मार्क कर लूँगी 36 इंच पे, और उसके बाद दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ, जो हमारा टोटल का हाफ होगा, 12 का हाफ। और यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो साइड में आर्म होल होगा वो 7 इंच ले रही हूँ मैं, आप भी इसी हिसाब से ले सकते हैं आपका चेस्ट जो भी है। और यहाँ पे जो उसकी डीप है ये मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद इसको एक शेप दे देंगे, और यहाँ पे शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है, और इसके बाद में हमें एक शेप देना है आर्म होल को भी। तो देखिए नेक थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ इसको थोड़ा ठीक कर ले रही हूँ। और यहाँ पे हमें आर्म होल को भी शेप दे देना है इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा उसको हम लोग 1/2 इंच बढ़ा लेंगे इस तरीके से, और उसको भी इस तरीके से शेप दे देंगे जो हम लोग बाद में कट करेंगे। यहाँ पे 2 इंच, उसके बाद में 8 इंच, और उसके बाद में 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये हमारा चेस्ट, वेस्ट और हिप है। तो यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट होगा मेरा 2 इंच प्लस करने के बाद 9.5, और वेस्ट होगा मेरा 8.5, और यहाँ पे हिप मैं सेम रख रही हूँ तो 9.5 ही रहेगा ये, क्योंकि हमारा जो हिप है वो बंद नहीं होगा इसीलिए मैं इसको नहीं बढ़ा रही हूँ। और हमारा हिप जो भी होगा सेम वही मेज़रमेंट आपको नीचे भी लेना है, इसीलिए कुर्ती स्ट्रेट आएगा, वरना अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो थोड़ा सा A-line हो जाएगा, इसीलिए अगर आप स्ट्रेट चाहते हैं तो इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसके बाद में जहाँ से हमें हाई स्लीट को रखना है वहाँ पे मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पे 15 इंच पे रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा, जो भी आपको रखना है उस हिसाब से आप वहाँ पे मार्क करके उसको रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ। अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसी तरीके से 1 से 1.5 इंच रख करके इस तरीके से मार्क कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पूरे को कट कर लेंगे। हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसको हम लोग थोड़ा देर बाद कट करेंगे, और सेम इसी तरीके से हम लोग इसको नेट फैब्रिक के ऊपर डबल फोल्ड करके रखेंगे और उसको भी काटेंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए ये थोड़ा सा कट कर लिया है ताकि हमें बाद में पता चले सिलाई के टाइम पे कि हमें कहाँ तक इसको सिलना है। यहाँ पे मैं गले की पट्टी के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल करके, और फिर से मैंने उसको डबल कर लिया है चौड़ाई में, और इसकी चौड़ाई करीब 6 इंच है, आप इस हिसाब से रख सकते हैं। और बस इसको इसके ऊपर रखना है और मैं इसको कट कर लूँगी जैसा इसका शेप है सेम इस तरीके से। आप डिज़ाइन अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप अगर डीप नेक चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप अपना कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है लाइनिंग को इसके ऊपर में, और अभी
हमें इसको मेज़र कर लेना है। जैसे हमारा टोटल 44 इंच हमें चाहिए, तो देख लीजिए इसी ये जो डिज़ाइन था इस वजह से मैंने लाइनिंग को छोटा रखा था, तो यहाँ पे 44 यहाँ आ रहा है। नीचे से जो हमारा नेट है उसको मैं थोड़ा सा बाद में कट कर लूँगी, तो वो बिल्कुल 44 इंचेस हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमें इसको कट कर लेना है नॉर्मली। तो नीचे से अगर प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से आप एक बार इंची टेप से चेक कर ले, अगर आप सेम इस तरीके से बनाएंगे तो, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और बस इसको भी कट कर लेंगे, और जो हमारे नीचे मैंने बोला था उसको भी मैंने कट कर लिया है, और बस ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक पार्ट को निकाल देंगे, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था जिसमें हमें आर्म होल को कट करना था, उस वाले पार्ट को हम लोग अलग कर लेंगे। तो मैं एक नेट भी निकाल लूँगी इसमें से, जो हमारा बैक का पार्ट होगा, क्योंकि दोनों को नहीं कट करना है, सिर्फ एक ही को कट करना है हमें। तो बस इसके ऊपर फिर से हम लोग इसको रख लेंगे, और इसके बाद जो हमारा आर्म होल होगा उसको हम लोग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, और ये हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके ऊपर हम लोग रख देंगे नेट को, और इसको आप हाथ से सिल सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि मशीन से सिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप हाथ से ही इसको टक कर लेंगे, तो ये इधर उधर नहीं जाएगा कपड़ा, सिलने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो मैंने गले की पट्टी काटी थी तो वो इसके ऊपर जस्ट मैं आपको रख के दिखाऊंगी कि किस तरीके से सिलाई करना है। नीचे वाला जो हमारा पार्ट है इसको बस हाफ इंच, उसके बाद फिर से हाफ इंच फोल्ड करके बस सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से नॉर्मली, और इसको हम लोग नहीं सिलेंगे मेन फैब्रिक के साथ में, नीचे का पार्ट खुला ही रहेगा। और बस इस तरीके से पट्टी को रखना है, और हाफ इंच पे सिलाई लगानी है, उसके बाद छोटा छोटा कट लगाना है उस पर, जैसे कि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ। और बस उसके ऊपर एक फिर से सिलाई लगानी है, और जस्ट उसको हाफ इंच फोल्ड करना है, और उसको पलट लेंगे हम लोग बाद में जब हम लोग शोल्डर को अटैच कर लेंगे तब, तो हमारी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से करना है, और सेम इस तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो अभी हम लोग अपना स्लीव्स कट करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से एक बार डबल कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 8.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपका आर्म होल जिस हिसाब से हो उस हिसाब से। 8.5 नॉर्मल होता है, आप 8.5 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर ज़्यादा आपका चेस्ट है तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, 9 इंच ले सकते हैं, और नहीं तो 8.5 परफेक्ट होता है। इसके बाद जो हमारी लंबाई है वो मैं 16.5 ले रही हूँ, ये रेडी होकर के बिल्कुल 15 इंच आ जाएगा। और नीचे से हमें 3 इंच कम लेना है, जैसे कि हमारा 16.5 है तो हमें नीचे 13.5 लेना है। और इसके बाद इन दोनों मार्क को मिला देना है, और जो हमारा हाफ आएगा इन दोनों को मिलाने के बाद में वहाँ पे मार्क कर लेंगे। और बस इस तरीके से शेप देना है, एक एस टाइप का बनेगा इस तरीके से छोटा सा। और यहाँ पे जो मोड़ी होगी, आपकी जो भी मोड़ी हो आप उससे 1 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और बस इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, और खुलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नीचे वाला जो पार्ट है उसको 1/2 इंच और फिर से 1/2 इंच फोल्ड करके हम लोग सिल लेंगे नॉर्मली, तो इसका फिनिशिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट को रेडी करना है। तो देखिए मैंने इसको हाथ से सिल लिया हुआ है दोनों तरफ, मैंने दोनों पार्ट को हाथ से टक कर लिया था, और इसके बाद मैंने पट्टी ज्वाइंट कर ली है, नेक की जो हमारी पट्टी थी, और मैंने उस पर छोटा छोटा कट भी लगा लिया है, और मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड भी कर लिया है साइड से, आप देख सकते हैं, और मैंने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद जस्ट हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और बस इसके ऊपर मोटी सिलाई लगानी है। फोल्ड आप जो हमारा शोल्डर का जो 1/2 इंच फोल्ड होता है वो आप पीछे की तरफ रखेंगे तो ठीक होगा, और बस इसके ऊपर मोटी सिलाई लगा के बाद में हेमिंग कर लेंगे। और अभी हम लोग इसके स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स जो हमारी है उसको सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में हाफ कर लेंगे, और आप चाहे तो वहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं, और या फिर आप अंदाज से भी सिल सकते हैं। इसके ऊपर जस्ट ऐसे रखना है, और बस एक तरफ से लेते हुए दूसरी तरफ सिल लेना है, और डबल सिलाई लगा लेंगे इस पर। आप चाहे तो इसको जस्ट 1/2 करके भी सिल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिल लिया है इसको, तो कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है, आप देख सकते हैं, और मैंने स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम लोग इसको पलट लेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि अभी हमारा जो मेन पार्ट है उसको सिलना है, हमें फिटिंग देनी है इसकी। तो इस तरीके से बस इसके ऊपर रख देना है, और आपको जो भी मोड़ी रखना है, आपका जो भी मोड़ी हो आप वहाँ पे मेज़र कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने 5 इंच मेज़र करने के बाद में इस तरीके से बस मिलाना है,
और मिलाते हुए जहाँ पे हमें स्लीट को रखना है बस वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, और यहाँ पे डबल कर ले अच्छे से लॉक सिलाई ताकि ये बाद में खुले नहीं। तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ से मैंने पूरा जहाँ हमें तक रखना था वहाँ तक मैंने सिल लिया है इसको। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो साइड का स्लीट है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, पहले हाफ इंच और फिर हाफ इंच, टोटल एक इंच। आपका अगर डेढ़ इंच है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करके मोड़े उसको, टोटल हमें हाफ इंच उसका जो साइड है उसको फोल्ड करते हुए दिखाना है, मैंने हाफ इंच दिखना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अंदाज से इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए सिलेंगे। और इसके बाद जब यहाँ पे सिलाई हो जाएगी हमारी जहाँ पे लॉक था, इसके बाद हम लोग उसको स्ट्रेट कर लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम लोग इसको हाफ इंच, फिर से हाफ इंच फोल्ड करने के बाद में इसको दूसरे तरफ लेते हुए नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे। बहुत ही आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप थोड़ा सा आराम से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको करना। और यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ और फिर से टोटल एक इंच हमें फोल्ड करना है और इसकी फिनिशिंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है ये, और मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। और मैंने जो स्लीट के साइड में सिलाई लगाई थी उसके साइड में मैंने एक और सिलाई लगाई हुई है, देखिए ये कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दे रहा है। और मैंने इसके साइड में भी सिलाई लगा ली है पूरे चारों तरफ ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, ये खड़ा खड़ा ना रहे इसलिए। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं इसको हमारा जो प्लाज़ो है उसके साथ मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी इसका लुक कैसा आता है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका स्टाइल आया है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था बट मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी ट्राई करिए। और बहुत ही इजी है इसको बनाना जैसा कि आपने देखा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।